सो वेलकम बैक गाइस, इट्स यूट्यूबर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस पर है कि ऐसे टॉप 9 जो जॉब्स और प्रोफेशंस हैं जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो आज हम एक एक करके उस सब के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स हैं या प्रोफेशंस हैं। हम पहले से ये बात जानते हैं कि कुछ प्रोफेशंस और जॉब्स को हम जानते हैं, जैसे कि नर्स का काम, ऑफिसर का काम, लीक्स, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम एक एक करके करने क्या वाले हैं, एक टॉपिक लेंगे, उसके बारे में जितने भी जो वर्क्स आते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला यानी कि जो नंबर 9 पे है वो है पोकेमॉन केयर। अब हमारे वर्ल्ड में तो हॉस्पिटल्स होते हैं, मगर पोकेमॉन वर्ल्ड में क्या होता है, वहाँ पर हॉस्पिटल्स भी होता है, पोकेमॉन सेंटर भी होता है, यानी कि पोकेमॉन हॉस्पिटल। यानी कि आज तक कभी भी हमें एनिमे या फिर गेम्स में इंसानों के हॉस्पिटल के बारे में नहीं बताया गया है, मगर जब ओरिजिन सीरीज में स्टार्टिंग में जब ऐश आया था तब जब उसे पता नहीं था कि पोकेमॉन्स का भी एक हॉस्पिटल होता है, उसको सिर्फ इतना पता था कि हाँ सिर्फ इंसानों का भी हॉस्पिटल होता है, यानी कि इंसानों का हॉस्पिटल भी एग्जिस्ट करता है। ये बात नहीं है कि जो हमारे पोकेमॉन सेंटर है वहाँ पर इलाज नहीं होता इंसानों का, होता है मगर नॉर्मली के लिए, अगर कोई सीरियस हो तो उसके लिए बड़े हॉस्पिटल अवेलेबल हैं पोकेमॉन वर्ल्ड में। और पोकेमॉन सेंटर हम सबको पता है एक नंबर जगह है, हमारे जितने भी फेंटेड पोकेमॉन होंगे उन सबको बिल्कुल फ्री में ठीक कर दिया जाता है। तो बात कर लेते हैं अगले नंबर की। तो अगला नंबर जो है वो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में काफ़ी तरह के टाइप्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहला टाइप तो बिल्डर टाइप, सबको पता है पोकेमॉन बिल्डिंग्स हैं, कौन बनाएगा, बिल्डर ही बनाएगा, हम तो नहीं जाएंगे बनाने, ये वही ट्रेनर हाथी छैनी थोड़ा पता नहीं क्या क्या लेके निकल लेंगे हथौड़ी छैनी जो भी होता है। अगले नंबर में हमारे इलेक्ट्रीशियन, जी हाँ, ये वही चश्मा लगा के अंकल जो कि हमेशा कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, हाथ में पाना लेके आ जाओ भैया लड़ लो हमसे। और जो अगला नंबर है वो है पावर प्लांट। पोकेमॉन वर्ल्ड में अक्सर इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी जगह जिक्र है, हर जगह लाइट है, बन लाइट नहीं होती, मशीन नहीं चलेगी, मशीन नहीं चलेगी, तो पोकेमॉन वर्ल्ड तक तो वैसे ही बंटाधार है। तो पावर प्लांट गेम्स भी है हमारे पोकेमॉन फायर रेड में, जहाँ पर हमारा वो ज़ैपडॉस मिलता है। अगला नंबर है माइनर्स, इन लोगों से हमारी बचपन से पक्की दुश्मनी है, पता नहीं क्या दिक्कत होता है, आ जाते हैं सामने, काम धाम तो होता नहीं, काम ही है वैसे, ये जॉब है, हाँ भूल जाता हूँ। तो अगला इनके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। अगला नंबर है हाइकर्स, वही लोग, वही मोटू सा याद है ना जो हर जगह पहुंच जाता था, पता नहीं गुफा में क्या हाइक करने जाता था नुबड़ा, काम धाम होता है नहीं, निकल जाते हैं। हाइकर ये एक प्रोफेशन है, अच्छे खासे पोकेमॉन समाई है, इसका जिक्र हमें एनिमे और गेम्स में दोनों में मिला है। अगले नंबर की बात करते हैं फैक्ट्री। भैया पोकेबॉल पोशन एंटीडोट जो कुछ बनता है घर में तो बनेगा नहीं, हाँ बनाते हैं कुछ लोग, मगर घर में तो इतनी ज़्यादा मात्रा में बनेगा नहीं, तो उसके लिए चाहिए फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्री भी एग्जिस्ट करती है। और फैक्ट्री में हमारे कौन कौन आ जाते हैं, लेबर भैया, बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि फैक्ट्री में वर्क करते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर सेवन है हमारा क्राइम ऑफिसर्स। अब इसमें ऑफिसर कौन, हमारी ऑफिसर जैनी, जहाँ पर भी क्राइम में अलग अलग टाइप्स आते हैं। सबसे पहला जो प्रोफेशन है गुंडों का, काम धाम होता नहीं, मुँह उठा के आ जाते हैं पिकाचू पकड़ने, वही हमारी टीम रॉकेट। और अलग अलग टीवी टीम्स होती हैं, टीम गैलेक्टिक, टीम रॉक, दूसरा वर्ल्ड बनाने, सब पे कब्जा करने, और भी कुछ टाइप के हैं। हमारे ऑफिसर जाने के बाद हमेशा वैसे गर्णित होता है, ऑफिसर जाने का भी एक प्रोफेशन है। हाँ जो इसे देख रहे नहीं और कोई नहीं, एशली मतलब एश का फीमेल वर्जन। चोर भी होते हैं कुछ टाइप के, इविल टीम्स, सिक्योरिटी भी होती है, आपने काफ़ी बार सिक्योरिटी गार्ड्स को देखा होगा पोकेमॉन एनिमेज में और यहाँ तक कि गेम्स में भी। नंबर 6 की बात कर लेते जो कि है आर्ट्स। आर्ट्स मतलब बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहला हिस्टोरियन और म्यूज़ियम और हिस्टोरी काफ़ी मैटर करती है, वही जहाँ से हमको ओल्ड एम्बर मिलता है जिससे हमारा एरोडेक्टाइल जिंदा होता है। और भी काफ़ी टाइप के म्यूज़ियम में भी हमको काफ़ी कुछ देखने को मिलता है फायर में भी। और जो हमारा अगला है पोकेमॉन फोटोग्राफर, भाई साहब जितने फोटोग्राफर कितने आए, 2-3 ऐसे कुछ हद तक एनिमे में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, गेम्स में भी काफ़ी सारे पोकेमॉन फोटोग्राफर्स होते हैं। अब बात करते हैं अगले की, और आर्कियोलॉजिस्ट यानी जो जमीन खोद के उसमें से फॉसिल्स निकालता है उन्हें कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। इसका जिक्र तो हमारे गेम बहुत बार हुआ, गेम में भी हुआ है, उस साथ ही साथ हमारे एनिमे में भी हुआ है। नंबर 5 एंटरटेनमेंट,
सबसे पहला प्रेजेंटर, जितने भी प्रेजेंटर होते हैं प्रेजेंटर को कैसे इंट्रोड्यूस करूँ मैं, जैसे कि जो हमारे कभी पोकेमॉन कॉन्टेस्ट होता है उसमें एक लड़की नहीं होती माइक पर के नंबर्स बताती सारी चीज़ें, उससे प्रेजेंटर ऐसे ले लो। अगला जो नंबर है वो है न्यूज़ रिपोर्टर, वही एनिमे वाली फीलिंग, आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, साइड में एक कैमरा लेके खड़ा है और साइड में एक रिपोर्टर जो कि आसमान से हेलीकॉप्टर की एक टांग हेलीकॉप्टर में, एक टांग नीचे है, एक टांग कब्र में, एक टांग असली दुनिया में, ठीक से रह लिया करो। ऐसे करके फोटोज खींचते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, अच्छी वाइब देती है वैसे एनिमे में, कोई दिक्कत नहीं है हमको, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा अगला है वो है जज, कॉन्टेस्ट जज। जज नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा कौन जीत रहा है, पॉइंट्स देना, पास करना नेक्स्ट राउंड में, वो पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में, ग्रैंड फेस्टिवल में, पोकेमॉन जज, पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर। जब कोऑर्डिनेटर नहीं होंगे तो जज का क्या काम है, इसलिए पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर भी एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन याद रखना, ये सब अभी जो बता रहे सब प्रोफेशन है। जॉब प्रेजेंटर की थी और न्यूज़ रिपोर्टर की, कैमरामैन, कैमरामैन ऑलरेडी आ चुका है, एक्टर, एक्टर भी काफ़ी बार मूवीज़ का वो हुआ है, बीच में बता जाता था कि कुछ सीरियस देखते थे ब्रोकन मिशन, काफ़ी बार जिक्र भी किया गया इस चीज़ का कि एक्ट्रेस भी एग्जिस्ट करते हैं। हाँ एक बार वो एक सीन आया था जिसमें ऐश भी एक्टिंग करने निकल पड़ा था, आपको याद ही होगा, मुझे पता याद रहता है, कोई भरोसा नहीं है। अगला जो नंबर है वो है हमारा ट्रांसपोर्ट, बिना ट्रांसपोर्ट के ना हमारे ऐश भैया कहीं घूम पाएंगे ना ही कहीं और जा पाएंगे। ट्रांसपोर्ट में बहुत सी चीज़ें आती हैं, एरोप्लेन, कार, ड्राइवर्स, टैक्सी आया होगा कहीं, और पायलट्स का वैसे हाँ दिखाया था, साथ में शिप्स भी आ जाती हैं जैसे कि एसएस एनी, कैप्टन्स और सेलर बॉय, वही हाथ में दूरबीन पकड़ के देखते देखते तुम्हें बस देख रहे थे कब आओगे तुम और तुम्हारे साथ बैटल करेंगे। हाँ जो कैप्टन है याद है उसने कट दिया था, और एक और कैप्टन होता है जो कि इलाइट फोर का मेम्बर होता है। बात करते हैं अगले नंबर की जो कि है नंबर 3, साइंस। साइंस कैसे, पोकेमॉन बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट सबसे जरूरी, पोकेमॉन प्रोफेसर भैया, बिना प्रोफेसर के हमारा तो काम चलने वाला नहीं, क्योंकि यही लोग तो हमें पोकेबॉल, पोकेमॉन्स, पोकेडेक्स, लैब्स किस किस से मुआयना करवाए हैं। और भी साइंटिस्ट भी होते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट भी होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं हमें, गेम्स में भी काफ़ी बार इनका जिक्र देख रखा है हमने। अगले नंबर की बात करते हैं, नंबर 2 पे हमारा रिटेलिंग, वही लोग जो दुकान पे जाके बैठ जाते हैं, इसमें काफ़ी सारे टाइप हैं जैसे पोकेमॉन मार्केट और पोकेमॉन मार्ट, मार्केट बिल्डिंग्स जिसमें काफ़ी सारे गेम्स में हमारे, जिसमें हम अक्सर जाके स्टोन्स ले आते थे आराम से मिल जाते थे, और भी एक तो मार्केट्स होते थे और नॉर्मल टाइप के मर्ट्स होते थे, जो इवॉल्व सिटीज़ होती थी उसमें मार्केट, नॉर्मल में मर्ट। इसका जिक्र पोकेमॉन एनीमे में कम ही हुआ है मगर हुआ है काफ़ी, पता नहीं ऐश भी ना पोकेमॉन मार्ट में जाए कितने पोकेबॉल्स का हाथ लिया था, खासकर क्यों नोवा में। अगला जो नंबर है वो है लास्ट नंबर, नंबर वन है हमारा पोकेमॉन लीग। पोकेमॉन लीग में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहला तो प्रोफेशन है हमारा ट्रेनर का, बिना ट्रेनर के तो पोकेमॉन लीग चलने से रही। और भी कई सारे टाइप्स के जैसे कि जिम लीडर, बिना जिम लीडर के बैच नहीं मिलेगा, बिना बैच के आप लीग भी नहीं जा सकते, सबसे ज़रूरी ये भी है। जिम ट्रेनर वही बंदा जिम लीडर से जाने से पहले बीच में आके खड़े जाता है, आओ भैया हमसे भी लड़ लो, हमको पता है हम आपसे हार जाएंगे मगर कोई बात नहीं, लड़ो आप हमसे। अगला जो नंबर है वो है लीग चैम्पियन। अब एक बात समझ लो, लीग चैम्पियन और पोकेमॉन चैम्पियन में बहुत फ़र्क होता है। पोकेमॉन चैम्पियन वो होता है जो किसी लीग को जीत चुका होता है, उसके बाद वो इलाइट फोर को हराता है, फिर फॉर्मर चैम्पियन को हराता है, इतने को हराने के बाद वो जाके बन पाता है पोकेमॉन चैम्पियन। और लीग चैम्पियन जो लीग जा जाता है, लीग जीत जाता है, जैसे कि हमारा ऐश कैचअप, कैचअप बोलते हैं, वैसे तो कैचअप पसंद है पिकाचू को वैसे। तो वीडियो वहीं पर ख़त्म करते हैं, लाइक किए बिना मत जाना, बिना लाइक के जाओगे कैसे काम चलेगा, बहुत मेहनत की है, कर दो।